हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी कटोरी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आप इसे बास्केट चाट भी बोल सकते हो, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए कटोरी चाट बनाना शुरू करते हैं। तो कटोरी चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले कटोरी बनाने के लिए हम डो तैयार करेंगे। तो हम ले लेते हैं 1.5 कप मैदा। आप कोई भी कप कटोरी आप सेट कर सकते हो। तो हम उसी कप से 1.5 कप, मतलब हमने मैदा ले लिया है, और 1/2 कप हम सूजी ले लेते हैं, और 1/2 टेबल स्पून हम अजवाइन डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देते हैं, और लगभग 2 टेबल स्पून हम घी डाल देते हैं, जिसे हम मोयन लगाना बोलते हैं। अच्छे से हम घी, अजवाइन, नमक सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आटे में मोयन लगा लेते हैं, और आप देख सकते हो मोयन लगाने के बाद और जो आटा है वो बाइंड होने लग गया है, तो बिल्कुल मोयन परफेक्ट है। अब चलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो हमने पानी लिया था 1 कप, उसमें लगभग 2 से 3 चम्मच ही पानी बचा है, और सारा ही पानी डो लगाने में लग गया है। तो डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी लगाने से हमारा जो डो है वो सॉफ्ट ही बना रहेगा। और अब इसे हम ढक देते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट हम इसे रेस्ट में रखेंगे। तो जब तक कि डो हमारा रेस्ट में है, तब तक हम आलू चाट तैयार कर लेते हैं। आलू चाट बनाने के लिए हम ले लेते हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। बॉयल आलू का यूज़ कर रही हूँ, इसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, और इन्हें हमने पहले ही बॉयल कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसके पीसेस कट किए हैं। और थोड़े से हम ब्लैक छोले ले लेते हैं। छोले को भी मैंने भिगा लिया था, उसके बाद बॉयल कर लिया था, बॉयल करके लिया है। और थोड़ी सी हम खड़ी मूंग ले लेंगे, बॉयल करके मैंने ले लिया है। और आप देख सकते हो बहुत छोटी सी मैंने प्याज को कट करके लिया है, और टमाटर लिया है, धनिया और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने फाइनली चॉप करके ले ली हैं। इन सारी चीज़ों को हम आलू और छोले के साथ ही मिक्स कर देते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं ब्लैक सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे वाइट सॉल्ट डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हमारी कटोरियों में भी होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नमक को आप थोड़ा सा एक हिसाब से ही डालिएगा। और 1 टेबल स्पून हम डाल देते हैं चाट मसाला। 1/2 टेबल स्पून हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, और हमारी ये आलू चाट बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसे हम साइड में रख देंगे, फ्रिज में रखना है। और इधर हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारा ऑयल गर्म हो जाए जब तक कि हम कटोरियाँ बना करके तैयार करेंगे। डो को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो डो हमारा परफेक्टली सेट हो चुका है। हम इसकी एक लोई कट कर लेते हैं, और अब हम कटोरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो जो हमने लोई ली है, इसे हम बेल लेते हैं। तो जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं, बस सेम उसी तरीके से हम इसे बेल लेंगे, बड़े आकार में हम बेलेंगे। और जो हम कटोरी बनाने वाले हैं, उन्हें हम इस तरीके की कटोरी से या इस तरीके के ग्लास से हम बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो इस तरीके से मैं कटोरी से बना रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारी चाट है उसके लिए बास्केट थोड़ी सी बड़ी तैयार होगी। बड़ी कहने का मतलब है कि जितनी बड़ी हमारी कटोरी है, बस उतनी ही बड़ी बन करके तैयार होगी। ग्लास से थोड़ी छोटी हो जाएगी, साइज थोड़ा छोटा होगा। तो इसलिए मैं ग्लास से नहीं, कटोरी से बना रही हूँ। और आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने रोटी बेल करके रखी है, बस उसी से आप कटोरी को इस तरीके से कवर कर लीजिए, और बराबर से आप कट कर लीजिए। बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से कटोरी बनाने का, और अच्छे से इसे चिपका देना है। और मैं आपको बताना भूल गई, एक आपको ले लेना है फॉर्क। फॉर्क
फॉर्क की मदद से आप इसमें थोड़ा सा प्रिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो कटोरी है वो फूलेगी नहीं। और मैं आपको ग्लास से भी बना करके दिखा रही हूँ, इससे बस थोड़ी सी छोटी सी कटोरी बन करके तैयार होती है। बाकी आप इससे भी बना सकते हो, बच्चों को आप छोटी सी बास्केट चाट बना करके इस तरीके से दे सकते हो, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा कटोरी बनाने का, तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट ये कटोरी भी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। बस आप इसमें फॉर्क से प्रिक करना मत भूलिएगा, वरना आपकी कटोरी फूल जाएगी, परफेक्ट कटोरी बनकर के नहीं तैयार होगी। और आप देख सकते हो हमारी जो कटोरी है वो पक चुकी है, उसे हमने बाहर कर दिया है, डार्क गोल्डन हमें फ्राई करना है कटोरियों को। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है, स्लो गैस में हमें कटोरियों को फ्राई करना है। जैसे अक्सर हम समोसे वगैरह फ्राई करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा इसे भी फ्राई करने का, क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और फटाफट से हमारी ढेर सारी कटोरियां बनकर के तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम जब बाहर चाट खाने जाते हैं तो हमें जो कटोरी या प्लेट मिलती है उसे या तो हम यूज एंड थ्रो होती है तो हम उसे खा करके फेंक देते हैं, या तो उसे धुल करके रखनी पड़ जाती है। बट आज की जो ये कटोरी चाट है, इस चाट में कटोरी भी खाने को मिलने वाली है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं आपको सारा ही प्रोसेस दिखा रही हूँ, जिससे कि आपकी जो बास्केट है वो भी परफेक्ट बन करके तैयार हो। और जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो आप इसे 2 मिनट के बाद ही अपने आप ही ये ग्लास को हो या कटोरी हो उसे छोड़ देगी, उसके बाद ही आप इसे अलग करिएगा। तो आप देख सकते हो मैंने ढेर सारी कटोरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं, और आलू चाट भी मैंने बना करके तैयार कर ली थी और कटोरी बना ली है। तो अभी कटोरी और आलू चाट बनी है, अब हम बनाएंगे कटोरी चाट। तो जो हमने क्रिस्पी सी कटोरियाँ बना करके तैयार की हैं उसी में हम अपनी आलू चाट फिल कर देते हैं। थोड़ी सी हम बूंदी डाल देंगे, दही डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे और मीठी चटनी डाल देते हैं, नमक डालेंगे। कहने का मतलब है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कटोरी चाट तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही इजी कर दिया है मैंने इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो मेरी वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक YT की ही फ्रेंड है प्रतिमा तिवारी, उनका प्रतिमा तिवारी लोकगीत के नाम से चैनल भी है। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैं उनके लिए पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करूं, तो शायद मेरी ये कटोरी चाट की रेसिपी उनको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से कटोरी चाट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। खाओ पियो मज़े करो।